अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राहत इराम और आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी बहरिया टाउन कराची के एडवेंचर लैंड थीम पार्क की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सुननी पड़ेगी मेरी दुख भरी रुदाद। तो जनाब, रुदाद कुछ यूं है कि हम दिल में हजारों अरमान लिए बहरिया टाउन कराची पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां थीम पार्क में तफरी के मजे लूटने हमसे पहले पूरा कराची टूटा पड़ा था। व्यूअर्स, इतने बड़े मजमे को देखकर मुझे खुशी के साथ साथ ये तसल्ली भी हुई कि चलो, इस दुनिया में एक मैं ही अपने घर से फालतू, बेकार और फारिग नहीं हूँ, और भी लोग। क्योंकि मेरी नानी माँ अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम इस दुनिया में सिर्फ भीड़ लगाने आई हो। खैर, ये मेरी नानी माँ का ओपिनियन था, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर व्यूअर्स, आगे पहुंचे तो टिकट काउंटर पर लंबी लाइन देखकर मुझे ये ख्याल आया कि थीम पार्क की ग्रैंड ओपनिंग की खुशी में शायद टिकट में डिस्काउंट ऑफर के साथ साथ मलिक रियाज की तरफ से बहरिया की प्राइम लोकेशन पर हर शख्स को 125 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट बिल्कुल फ्री मिल रहा है। हम भी इस लाइन में लग गए कि शायद एक आध प्लॉट हमें भी मिल जाए, मगर टिकट काउंटर की तरफ से आने वाली एक आवाज से हमारी अरमानों पर ओस पड़ गई। आवाज कुछ यूं थी, थीम पार्क टिकट 4,000 रुपए। जी जनाब, थीम पार्क का टिकट 4,000 रुपए फी बंदा। टिकट की प्राइसेस सुनते ही अहलियाने कराची पर जैसे कयामत सी टूट पड़ी, हंसते हुए चेहरे मुरझा गए और वो तमाम लोग जो हो गई शाम, गिर गए दाम के मिजाक, ये सोच कर आए थे कि बहरिया टाउन के थीम पार्क की ग्रैंड ओपनिंग की डिस्काउंट ऑफर का भरपूर फायदा उठाते हुए आज तो वो तफरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। वो बेचारे अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए अपनी बीवी और 6 बच्चों को हसरत से देखने लगे। बेचारे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि अपनी फैमिली में से बीवी कम करें या बच्चे। उनकी हालत देखकर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि बच्चे दो ही अच्छे। लोग तफरी करने आए थे तो तफरी तो करनी थी। कुछ लोगों ने सोचा कि बहरिया टाउन कराची का थीम पार्क ना सही, डेंजू ही सही, मगर 6 बच्चों के साथ डेंजू जाना भी आसान नहीं था। ओके व्यूअर्स, ये तो थी एक छोटी सी तफरी जो मैंने आप लोगों के साथ की। अब हम बात करते हैं बहरिया टाउन कराची के एडवेंचर लैंड थीम पार्क की इंफॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर। लोकेशन कुछ इस तरह से है कि मेन जिना एवेन्यू पर मेन गेट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये लोकेटेड है। उसके सराउंडिंग्स में जो प्रीसेंट्स आ रहे हैं वो है प्रीसेंट 3, प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 17 और प्रीसेंट 18। इस थीम पार्क के टोटल लैंड एरिया की अगर बात की जाए तो इसका टोटल लैंड एरिया जो है वो तकरीबन 43 एकर्स पर मबनी है। व्यूअर्स, इस थीम पार्क के अंदर KFC और मैकडोनल्ड भी है, यहाँ पर आप अपना फेवरेट और क्वालिटी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर यहाँ की राइड्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारी राइड्स मिलेंगी और यहाँ पर जिस तरह की राइड्स अवेलेबल हैं व्यूअर्स, वो कराची के किसी भी और प्लेलैंड में आपको नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा मैं एक और मज़ीद ये बताती चलूँ कि यहाँ जितनी भी राइड्स हैं इस थीम पार्क में मौजूद जितनी भी राइड्स हैं उस तमाम की तमाम जो है वो इटली के इंजीनियर से बनवाई गई हैं। व्यूअर्स, थीम पार्क के अंदर आपको जो जो राइड्स मिल जाएंगी उनमें कुछ राइड्स के मैं नाम बता देती हूँ आपको। जाइंट व्हील, क्रेजी बस, ट्रेन, रोलर कोस्टर, मैरी गो राउंड, फेरस वेल वगैरह शामिल हैं। तो व्यूअर्स, जाएं अपनी फैमिली को लेकर, ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा इन्होंने ये पार्क बनाया है, बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली बच्चे बहुत खुश होंगे यहाँ पर जाकर। तो जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू।